बड़ौदा उपचुनाव को मात्र दो दिन बाकी हैं, वहीं राजनीतिक दल इस सीट को अपनी झोली में डालने के लिए चितोड़ प्रयास में लगे हैं। हर दांव चाहे दल बदल का हो या चाहे बयानबाजी का हो, जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा जजपा सरकार बनने के बाद से ही जजपा के नेता रामकुमार गौतम शुरू से अब तक अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते आए हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कोसते आए हैं। इन्होंने भी बड़ौदा चुनाव के दो दिन पहले एंट्री मारी और देखें क्या कहा। टीपीसी के लिए करी हो, एक बात बता दे, लगा दे नारा, बता एक बात, तेरे है तो 100 गुना एससीबीसी का मन्ने कर रखे है और इतना कर रखा है जिसकी वजह से आज बहुत जबरदस्त लाभ है उन लोगों को। लेकिन मगा भाई ये ऐसे कांड ना करे, अगर तूने पार्टी चलानी है 36 बरादरी की, ये वोट मांग 36 बरादरी से, प्यार कर जब कोई पार पड़ेगी। और अब एक जगह न्यूके बला रो पड़ा, सारी जिंदगी बच रही है, रोन नहीं बे क्यों रो है, बोले अगर गलत काम करेगा तो रोए रोएगा और क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कोई पागल थोड़ी है, सबने पता है भाई। मैं न्यूकू उतरने फर्ज करा, कोई जिताना है नेलो का या भाई हुड्डा साहब वाला, तू सीधम सीधी अपील कर दे, धार लेने इसकी पर्ची पाड़े इसकी योगेश्वर की, योगेश्वर तूने कड़े से दिया, ये तो पहलवान है, देश भगत है बेचारा, देश का नाम रोशन करा है, डीएसपी का पद छोड़ गया है, एसपी के बनन की लाइन में था, तो भाई ये इलेक्शन बहुत तगड़ा इलेक्शन है, बहुत हरियाणा के इतिहास में मायने रखने वाला इलेक्शन है, इसमें उक चूक ना करियो, ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करो और भाई किसी जात पात के चक्कर में ना आइयो, जात अपनी सबकी एक है, ईमानदारी से सोचोगे, मेरे कई बामनानी से चक्कू बिठा रखे, मेरे लिए बता कौन सी जात है, जो लोग जिंदा काम धंधा बेईमाना करना, रोज मानना, झूठ बोलना, बदमाशी करना, के जात है दूसरे की, अच्छा आदमी, मेरे मेरे जाट इतने साथी हैं, तेरी सारी हल्के में चल जा, मतलब स्वाद सा आया के मेरे जाट इतने तगड़े तगड़े साथी हैं, इतने प्रचार के बावजूद वो खुद यूं कहते थे, बेटी चो देख कितना गड़बड़ कर रहे हैं, इतना बढ़िया आदमी, बोला यू कैप्टन कैप्टन की वो बुराई कराया करते, बोला इसका भतीजा न्यारे खाओ, यो न्यारे खाओ है सारी तरह से। तो भाई मैं तो प्रार्थना करने आया हूँ, मेहरबानी करके इनके पूरा हंगा लगा दो योगेश्वर पे, आपके हल्के का जो है कल्याण होगा और आप लोगों के खूब काम बनेंगे, और सरकार की कमी पेशी तो भाई हर एक की होती है, लेकिन हुड्डा साहब पे कोई ऐसी चीज है भी नहीं, या किसी इनेलो पे भी ऐसी कोई चीज नहीं जो आज आपके काम आ सके, उनका वक्त कभी आवे और आपको लगे, मैं उस बात पे जाना ही नहीं चाहता, वो राज किसा था राज का किसा है, लेकिन उनका आज वक्त नहीं है, अगर वक्त आवे जब देख लियो जिस भाई की उनमें आस्था हो, मैं तो नहीं कहता मैं कोई किसी की भाई बुराई करने के लिए नहीं आया, आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, मेरी बड़ी इज्जत करी आपका, बहुत बहुत। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।